ये देखो भाई, बाल्टी पीनट बटर जो है वो बाल्टी में आ चुकी। और कल मुझे सुबह सवेरे जाना है पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे वो फार्म। वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, आलम सब फिट होंगे। रात को मैं बहुत देर से सोया था, कम से कम 2 बजे सोया था, क्योंकि मेरी एडिटिंग कर रहा था अकेले, क्योंकि शेजन तो था ही नहीं। तो आज खुद वीडियो बनानी पड़ी, खुद एडिटिंग करनी पड़ी, खुद उसका सब कुछ आज खुद करना पड़ा। तो चलिए जी, अभी पीते हैं चाय, फिर दुकान पर भी जाना है और वहाँ से सब्जी और गोश्त लेके आना है और रोटी भी लेके आना। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर। अभी बज चुके हैं 12 और मैं वजू करता हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाना है, क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा है आज। तो पहले करते हैं वजू, फिर चलते हैं नमाज़ के लिए। तो चलिए चलिए जी, चलते हैं नमाज़ पढ़ने। और शकलें तो मेरे से पहले ही गया हुआ है, अब चलता हूँ मैं। तो चलिए जी, पढ़ते हैं नमाज़। तो नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ मैं, और अब जाऊँगा मैं पापा को दुकान पर, क्योंकि मुझे जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि वरना उनकी फिर वरना उनकी नमाज़ कसा हो जाती है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर भी एक मस्जिद है, तो वो वहीं पे पढ़ेंगे, वहाँ पे 2 बजे की नमाज़ होती है, तो वो वहीं पे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, और मैंने तो नमाज़ पढ़ ली। चलिए अभी मैं दुकान से वापस आ चुका हूँ, और मेरा एक पार्सल भी आ चुका है जो अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। ये पीनट बटर है, और वहाँ से घर उनके लिए सूप भी लाना था, वो भी लेके आ गया। और ये मैंने पीनट बटर मंगवाई थी, क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका है पिछले 1 महीने से, मैं खा नहीं रहा हूँ पीनट बटर। बट ये हमारा पार्सल आ चुका है, अब मुझे केरेटिन मंगवाना है, क्रेटिन मंगवाना है, देखते हैं वो भी कब तक आएगा। तो चलिए चलते हैं घर। तो अभी बज रहे हैं 3, और मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। तो आज मेरा बैक और उसके साथ ट्राइसेप का वर्कआउट है। तो चलिए जी चलते हैं जिम, बहुत देर भी हो चुकी है। अभी मैंने पीनट बटर खोली नहीं है, उसका अनबॉक्सिंग नहीं किया, यानी कि उसका बॉक्स खोला नहीं मैंने अभी। तो यहाँ से जाके फिर खोलते हैं उसे, पहले जिम में वर्कआउट करते हैं अपना फिर। तो जिम में पहुँच चुका हूँ, और अब मैं ट्राइसेप का और बैक का वर्कआउट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं जिम में, करते हैं अपना वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी रहेगी ट्राइसेप के लिए, वो रहेगी जिगजैग रॉड। तो चलिए करते हैं, इसका मैं सुपर सेट करूँगा। 5 kg वेट रखेंगे, मगर 2.5 kg फिर लास्ट में खाली रॉड को भी करेंगे। तो चलिए जी करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज जो मेरी रहेगी वो ट्राइसेप की, जो मैं क्रॉस केबल से यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए जी करते हैं इसको, फिर सिंगल आर्म ट्राइसेप के लिए करते हैं। जो एक्सरसाइज रहेगी वो सिंगल आर्म यहाँ से सेट करूंगा मैं ट्राइसेप के लिए। तो चलिए जी कर। ट्राइसेप का वर्कआउट हो चुका है खत्म, अब मैं बैक का वर्कआउट करूंगा। तो मैं यहाँ से करूंगा लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो हो चुकी है खत्म, अब हम करेंगे क्रॉस केबल पे। जो ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है यही हम भी करेंगे, तो इसको खत्म करने तो फिर हम करते मुझे बैक के लिए ऐसे चाहिए ना, देख पाता हूँ। इसको पहले पैर के सामने रखा था, इतना बस उठा ऐसे बैक, 1 सिर ऊपर, 2 3 4 5। पिछले 10 मिनट से मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने जब दूसरे बंदे को सिखाया उसको एकदम से आ गया, बट इसको ना 10 मिनट, 11 मिनट या 15 मिनट मैंने इसको दे दिया, बट इसको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इस वाले को तो बिल्कुल समझ आ रहा था। चल कर जो मैंने दिखाया वैसे ही करना, चल उठा और ऊपर थोड़ा, शाबाश, अंदर की तरफ ले, अंदर की तरफ ले पैरों के साथ साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो चलिए जी वर्कआउट हो चुका है खत्म, अब हम निकलेंगे, जिम बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो डाउन हो चुका है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं अब। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं अब घर, चलो। तो सुबह जो पार्सल मेरा आ चुका था वो वहाँ पे रखा था उसने दुकानदार के पास, तो वहाँ से वो मैंने ले लिया। तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि मैंने 2 kg मंगवाए थे, एक ही वो बाल्टी के जैसा था, तो भी मुझे पता नहीं है इन्होंने 1 1 kg दिए हुए हैं या बाल्टी ही दी है। तो तभी चेक करते हैं, देखते हैं बाल्टी आई हुई है वो आया हुआ। तो पहले इसको फाड़ते हैं,
और भाई साहब बाल्टी आई हुई है, ये देखो भाई बाल्टी पीनट बटर जो है वो बाल्टी में आ चुकी है। अरे यार 2.5 kg है, मगर मैंने तो 2 kg यार 25। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं। खुल जा भाई, जोर लगाना पड़ता है इसमें भी। ये तो पैक ही होगा मुझे लगता है, जैसे क्या पैकेजिंग है इसकी यार। अब अरे यार ये खुलेगा कैसे, एक सेकंड पहले मैं देखता हूँ ये खुलेगा कैसे। तो बहुत मेहनत लगाने के बाद इसका ढक्कन खुल चुका है, मेरे हाथ में भी लग गई इस चक्कर से। तो ये देखो ये ढक्कन उठ चुका है इसका। अरे यार खुल जाना तो यार, कितनी पैकेजिंग इसकी मजबूत है। ये देखिए, ओ भाई 2 kg यानी कि का बाल्टी दिया गया हमें पीनट बटर का, जो मुझे बहुत अच्छे रेट में मिला। मुझे ये 800 रुपये कुछ मिला, वरना इसका प्राइस जो है 1200 रुपये का कुछ जाता है 1 kg अगर हम मंगवाएंगे। तो मैंने 2 kg 800 रुपये के कुछ मंगवाया था, या 800 रुपये कुछ मुझे पता नहीं है पूरा, बट 800 रुपये कुछ था इसका प्राइस। तो मुझे लगता है इसमें फ़ायदा है मुझे, क्योंकि 1 kg तो मुझे 680 रुपये मिलता था मुझे 1 kg, तो ये तो मुझे 800 रुपये में पड़ गया, 800 मान लो 50 भी, 850 में मिल गया ये। ये तो फ़ायदा वैसे भी, इसमें तो 400 रुपये सीधे बच रहे हैं। तो चलिए जी अभी पीते हैं अपना प्रोटीन, फिर निकलते हैं दुकान पे। तो अभी जा रहे हैं दुकान धोने, पापा ने फ़ोन किया, उनको नाक में थोड़ा दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ दुकान पे। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। तो घर तो मैं आ चुका हूँ, बहुत देर हो गई, कम से कम 7:30 बज गए अभी तक, बस प्रोटीन भी आया कुछ नहीं खाया, अब मैं अंडे खाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी खाना वाना हमारा हो चुका है, और आज मैंने बहुत सारे काम कर लिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और कल मुझे सुबह सवेरे जाना है पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे वो फार्म वहाँ पे देना है। तो चलिए जी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।